हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजुस कॉर्नर। सो आज की वीडियो में हम ये चॉकलेट गनाश बनाना सीखेंगे। सो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ 400 ग्राम डार्क चॉकलेट यूज़ की है और 200 ग्राम्स मैंने अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ की है। आप कोई भी फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट गनाश का रेशो होता है 2:1, मतलब जितनी हम चॉकलेट लेंगे उससे हाफ हम क्रीम लेंगे। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर दिया है और उसके बाद मैंने एक पैन उसके ऊपर रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे हम और क्रीम को हम थोड़ा सा हीट होने देंगे। हमें उबालना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हीट करना है। थोड़े समय हमें बबल्स दिखने लग जाएंगे तो हम इसके अंदर डार्क चॉकलेट ऐड कर देंगे। आप इसे चॉकलेट सॉस भी बोल सकते हैं। हमने ये अंदर डार्क चॉकलेट ऐड कर दिया है। ये 400 ग्राम चॉकलेट है ये, और हम इसे जब तक चलाएंगे जब तक ये पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए, जब तक हम इसे चलाएंगे। हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और उसी हीट पैन में हमारी पूरी डार्क चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाएगी। अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमारी चॉकलेट मेल्ट नहीं हो रही है तो हम थोड़ी सी हीट और दे देंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को पता चले। और यह हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो रही है धीरे धीरे, हम इसे चलाते रहेंगे अब देख सकते हैं। और ये पूरे से धीरे धीरे से मेल्ट हो जाएगी और इसकी कंसिस्टेंसी जो हो जाएगी वो थोड़ी सी रनी हो जाएगी, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं मेल्ट होते होते हमारे जो गनाश है उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो चुकी है, ये रनी कंसिस्टेंसी है। और मैं इससे आप लोगों के साथ डार्क ट्रफल चॉकलेट केक बनाना ज़रूर सिखाऊंगी, इससे हम वो बनाएंगे। यहाँ हमारा चॉकलेट गनाश बिल्कुल रेडी है। जो चॉकलेट लवर है उसके लिए मैं मस्त वाला डार्क चॉकलेट ट्रफल केक लेके आऊँगी। सो आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर देखना। सो गाइस स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।